चलिए, इस लेक्चर में हम लोग आईटीएफ के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे ये प्रूफ डैट बराबर पाई बाई टू, प्रूफ डैट में इस साइड को हम लोग एलएचएस बोलते हैं और ये साइड आपका आरएचएस होता है। इससे पहले हम लोग और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स डब्बा माइनस कॉस इनवर्स ट्रायंगल बराबर होता है कॉस इनवर्स डब्बा इंटू ट्रायंगल। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस ट्रायंगल स्क्वायर, यही होता है। तो जब इसको आप ये लिख सकते हैं, तो अगर हम उल्टे हाथ की बात करें, मान लिया जाए हम उल्टे हाथ की बात करते हैं, कल के डेट में आपसे अगर कोई पूछ दिया कि कॉस इनवर्स डब्बा इंटू ट्रायंगल प्लस अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस ट्रायंगल स्क्वायर क्या होगा, तो आप झट से बोलिएगा कॉस इनवर्स डब्बा माइनस कॉस इनवर्स ट्रायंगल। चलिए एक बात और बता दीजिए, कॉस इनवर्स ये एक्स बाई टू है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वन बाई टू आई इंटू एक्स? थोड़े देर के लिए चेक कर लेते हैं, हम जो ये मान के चल रहे हैं सही है या गलत। ये वन बाई टू है, वन बाई टू है तो वन बाई टू यानी ये डब्बा हो गया और ये आपका क्या हो गया ट्राइंगल, बीच में प्लस दिया हुआ है। अब एक काम और करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वन बाई टू और अंडर रूट थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं वन बाई टू अंडर रूट तीन को कॉमन लिए वन माइनस एक्स स्क्वायर? अच्छा, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ये तीन जब बाहर निकलेगा तो रूट थ्री बन जाएगा, तो रूट थ्री बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रूट थ्री बाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर वन बाई टू डब्बा है तो हम क्या बताए हैं, अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर, तो वन माइनस वन बाई फोर यानी ये भी होता है रूट थ्री बाई टू, यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर और ये तो दिख ही रहा है, लिखा हुआ है वन माइनस ट्रायंगल का होल स्क्वायर। तो आप ये बताइए क्या इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स? अगर इतना आप समझ गए तो ये क्वेश्चन अब कुछ नहीं है। अब हम काम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एल एच एस को, एल एच एस, एल एच एस में आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन बाई टू इंटू एक्स, एक्स बाई टू को वन बाई टू इंटू एक्स लिख लिए, प्लस वन बाई टू अंडर रूट तीन को अगर हमने कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हुआ,
अब ये तीन जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकलना, ये तीन जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, मान के चलिए कुछ ऐसा अंडर रूट ए इंटू बी, क्या इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख ही सकते हैं। तो आपके पास यहां पे आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन बाई टू इंटू एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे हम लोग एक काम करते हैं कि ये आपका कॉस इनवर्स एक्स ही रहा और इसको हम लोग डब्बा बोलते हैं, अगर इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं तो ये वाला पार्ट आपका हो गया अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर और ये वाला पार्ट आपका हो गया अंडर रूट वन माइनस ट्रायंगल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स है आपका और ये कॉस इनवर्स एक्स, ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, कॉस इनवर्स वन बाई टू और कॉस इनवर्स वन बाई टू होता है पाई बाई थ्री और आप चले गए हिमाचल प्रदेश एचपी, हैंस प्रूफ। ये तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, इसमें आपको ये वाली बात का खासा ध्यान रखना होगा, उल्टे हाथ का फॉर्मूला साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सेट करके दिया हुआ है, आप ऐसे बना लें इसको, ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे देखिए, फिर इसको हम लोग बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे हम लोग RHS। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी हम लोग ITF को सॉल्व करते हैं तो अंदर से बाहर, याद रखिएगा अंदर से बाहर सॉल्व करते हैं, अंदर से बाहर। तो अब अगर दिया हुआ है कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स मछली ब्रैकेट और बड़का ब्रैकेट, ये बंद हो गया। अब ये साइन जो है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये साइन जो है इसको बोलेगा, साइन जो है इस अंदर से बाहर ना, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो साइन बोलेगा मेरी तरह बनो। अब ध्यान दीजिए, मान के चलिए कॉट इनवर्स क्या है, एक्स बाय वन है, तो आप बताइए b बराबर x है, p बराबर 1 है, ऊपर वाले को b और नीचे वाले को p, तो आप खुद बताइए h क्या होगा। तो h होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगला स्टेप जो हम लिखेंगे, बाहर की आवाज़ सुनी जाती है तो ये cos जैसा का तैसा रहेगा, फिर यहाँ पे tan इनवर्स आएगा जैसा का तैसा, साइन भी जैसा का तैसा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब कॉट इनवर्स एक्स जो है, ये कॉट इनवर्स एक्स ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन होता है पी बाय एच, तो पी आपका वन है और एच आपका क्या है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, बंद हो गया। अब ये दोनों जो है साइन साइन इनवर्स घर चला जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, कॉस बड़ी ब्रैकेट टेन इनवर्स वन बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचा। फिर ये चिल्लाया मेरे जैसा बनो, तो आप ही बताइए p बराबर वन है, b बराबर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो h बराबर क्या होगा, टू प्लस एक्स स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा। तो अब हम काम ये करते हैं, कॉस
कॉस इनवर्स, क्योंकि वो टेन बाहर से चिल्ला रहा था मेरे जैसा बनो, बी बाय एच होता है। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये दोनों घर चला गया और आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे में बचा एक्स स्क्वायर प्लस टू। वैसे भी आपको पता होगा कि अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी बराबर होता है ए बाय बी, उसी तरह आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपका हैंस। ये दो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, आगे और भी जो क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।